चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो करंट अफेयर्स काफ़ी दिन से रह गए थे, तो आज मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। थोड़ा बिजी था इस वजह से 15th की करंट अफेयर प्रेजेंट कर देता हूँ, और 16th की करंट अफेयर आपको सुबह मिल जाएंगे, ठीक है। और कल 17 हो जाएगी, तो शाम तक आपको 17th के भी करंट अफेयर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों, IPL की वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। इस IPL की और पिछले IPL दोनों की मिल जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका जो है स्टार्ट करने का निर्देश दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस सरकार ने, कहाँ की सरकार द्वारा ये किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, बात करें उत्तर प्रदेश की तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के जो हो जाएंगे वो CM हो जाएंगे, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या हो जाएंगी? गवर्नर। डिप्टी CMs भी यहाँ के पूछे जा सकते हैं, तो एक हो जाएंगे आपके दिनेश शर्मा, और एक हो जाएंगे आपके केशव प्रसाद मौर्य, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के डिप्टी गवर्नर जो है, डिप्टी CM हो जाएंगे। 1950 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकता है। प्लस यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो Team 11 हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, जो कि आपको अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। Team 11 भी आपका यहीं पर चला गया। शक्ति परियोजना पूछा जाएगा तो यहीं पर हो जाएगा। कन्या सुमंगलम योजना पूछा जाएगा। कृषक दुर्घटना योजना पूछा जाएगा, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही आपका जो है स्टार्ट किया गया। उसके अलावा आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे गुड़ महोत्सव पूछा जाएगा, जगरी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इस बार कहाँ पे हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। काला नमक चावल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस उत्तर प्रदेश से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाएगा कि पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोली जा रही है। पहला अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे एनिमल वॉर म्यूजियम खोला जा रहा है, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। पहला अगर पुलिस यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, एलिफेंट हॉस्पिटल पूछा जाएगा, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि देखने को मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि हाल ही में कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले सिस्टम में शामिल हो गया? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट स्टॉक? वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। PM पूछा जाएगा तो इमरान खान है, और अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो आरिफ अलवी है, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में कोका कोला इंडिया ने अम्बेसडर में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया? यानी बेसिकली कोका कोला इंडिया के जो ब्रांड अम्बेसडर पहले रहे हैं, उनका जो है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कि एक्सपेंड कर दिया गया, नहीं एक्सटेंड कर दिया गया। कौन है जो है कि कोका कोला इंडिया के ब्रांड अम्बेसडर? देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे सौरभ गांगुली। ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली कोका कोला के ब्रांड अम्बेसडर हो जाएंगे। सलमान खान पूछा जाएगा तो भारत पे के हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जबकि अक्षय कुमार पूछा जाएगा तो रोड सेफ्टी कैंपेन के हैं। उसके अलावा माई लैब के भी अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो वो भी अक्षय कुमार हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ध्यान रखिएगा BCCI के चेयरमैन भी हैं, जो कि पूछा जा सकता है। हमारा जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया है, BCCI, जिसके स्टैब्लिशमेंट 1928 में हुए थे, उसका चेयरमैन पूछा जाएगा सौरभ गांगुली। अगर पूछा जाएगा सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह हो जाएंगे। जय शाह जो है एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन है, और अगर ट्रेजरर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अरुण धूमल, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। सौरभ गांगुली की किताब मैंने बताई थी, वो भी ध्यान रखिएगा, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी किताब हो जाएगी? सौरभ गांगुली की हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया, जिया करके, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर सैटेलाइट? भारत, चाइना, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। जिया करके जो है इन्होंने सोलर एक्सप्लोरेशन सेटेलाइट लॉन्च किया। इससे पहले जुरांग भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड के से चलने वाली मैग्रोव ट्रेन भी पूछा हो जाएगा, तो वो भी किसने लॉन्च किया? वो भी चाइना ने ही लॉन्च किया। अगर पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन किसने लॉन्च किया, तो वो भी चाइना ने लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? रिसेंटली हु हैज बीन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? तो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सज्जन जिंदाल। सज्जन जिंदाल जो है वो हाल ही में आपके वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष बनाए गए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सज्जन जिंदाल कौन हो जाएंगे? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। हाल ही में इंडसइंड के बैंक ने किसे अपना नया वित्तीय अधिकारी बनाया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? ध्यान रखिएगा, CFO पूछा जा रहा है। अगर यहीं पे CEO पूछा जाता तो वो सुमंत कटपालिया हो जाते, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, CFO पूछा गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बाय इंडसइंड बैंक रिसेंटली? हरप्रीत कोचर, या फिर रणदीप गुलेरिया, गोविंद जैन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन जाएंगे? गोविंद जैन। जबकि इंडसइंड बैंक का अगर CEO पूछा जाता तो वो हो जाते सुमंत कटपालिया, अगर आपको पूछा जाएगा तो। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि हु हैज रिसेंटली वॉन द क्राउन ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2021?
हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसे किसने जीता है, किसको पहनाया गया? रश्मि माधुरी, चरित्रा त्रिपाठी, वंशिका परमार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएंगी रश्मि माधुरी। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है, तो वो जीता है रश्मि माधुरी ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द ऑक्सीजन पार्क? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा का होजागिरी डांस भी मैंने आपको बताया था, काफी फेमस है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिपुरा। यानी ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ गया, त्रिपुरा में। एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम कहाँ चलाएगी, वो भी त्रिपुरा, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बीन स्टार्टेड रिसेंटली? देहरादून, भुवनेश्वर, जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जयपुर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर बीन स्टार्टेड रिसेंटली, तो वो हो जाएगा आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिसेंटली? कार्तिक जोशी, सौमित्रा बनर्जी, प्रियंका नुनगो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन आपको पूछे जाते हैं, तो इनका जो है इनको फिर से अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट किया गया, एक्सटेंड किया गया इनका कार्यकाल 3 साल के लिए, और वो कौन हो जाएंगे, प्रियंका नुनगो। जबकि अगर पूछा जाएगा एससी कमीशन के कौन है, तो वो हो जाएंगे विजय सापला। एसटी कमीशन का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके हर्ष जैन। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर्ष चौहान होंगे, ध्यान रखिएगा, हरजन तो टीम 11 के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका नुनगो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप? मार्क जुकरबर्ग, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं, प्लस अब इनको चेयरमैन भी बना दिया गया। सुंदर पिचाई हो जाएंगे सीईओ आपके जो है गूगल के, और मार्क जुकरबर्ग किसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फेसबुक के, ठीक है। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेटेड? 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, या 14 अक्टूबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 14 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, ई वेस्ट डे अगर पूछा जाएगा, ई कचरा डे, तो वो हमने सेलिब्रेट किया 14 अक्टूबर को। जबकि पहला पूछा जाएगा ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया था एमपी में। और पहला पूछा जाएगा ई गार्बेज कैफे कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 58वें रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी और रिन्यूएबल कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स भी पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 3, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि वुड की नक्काशी को GI टैग दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। विच स्टेट करपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कला कुरुचि वुड कार्विंग हैज गॉट द GI टैग? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, या राजस्थान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा गुलबर्गा तूर दाल को कहाँ का GI टैग दिया गया, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। अगर पूछा जाएगा मरियो जगरी को कहाँ का GI टैग दिया गया, तो वो हो जाएगा केरला, ठीक है। तेलंगाना पूछा जाएगा तो आपको तोलिया रुमाल पूछा जा सकता है। राजस्थान पूछा जाएगा तो आपको फॉर पेंटिंग पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? आई थिंक आप सारे लोग ही बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल का क्वेश्चन है, ये भी सेशन में आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप कि भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, और भी जो डिटेल्स आप दे सकते हैं, और भी दो चार अगर आप चाहें तो इंडेक्सेस भी वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, मैं उसको भी बोल दूंगा। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं, मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है, आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अगर उसके बाद अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए होंगे, तो पेड कोर्सेज के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और टॉप एजुकेटर्स की तरफ से आपको जो है कि क्लासेस भी मिलती हैं। और वो जो आपके बेनिफिट्स हैं वो हो जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर डॉपिंग सेशन हो गया, उसके अलावा अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारे बैच कोर्सेज मिल जाते हैं आपको, मोस्टली बैच कोर्सेज में मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। चाहे वो आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन है, आप अपने जो डाउट्स हैं लाइव वहीं पे पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 20% तक का ऑफ हो जाता है। vimresh@14 कोड जैसे ही आप यूज़ करते हैं, 20% का ऑफ हो जाता है, और आप जो हो जाते हैं ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो जल्दी से ले लीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।